सिविल अस्पताल पठानकोट की ओर से जानकारी में बताया कि कोरोना टीकाकरण रोजाना 100 लोगों को लगाया जाएगा, जिसमें हेल्थ वर्कर शामिल है। जिसकी जानकारी देते हुए एसएमओ राकेश सरपाल ने बताया कि ये टीकाकरण प्रक्रिया जल्द से जल्द संपूर्ण जिला पठानकोट में संपन्न कर दी जाएगी। कोरोना वैक्सीन की जी शुरुआत है 16 जनवरी हुई थी। 16 जनवरी पहले नैशनल साढ़े लॉन्च हुई, उस तो बाद पंजाब दे विच एंड देन ऑफकोर्स पठानकोट दे विच। साढ़े इतने आइसोलेशन वार्ड दे विच जिहड़ा ग्राउंड फ्लोर दे असी कोविड वैक्सीन सेंटर बनाया, तो पहले दिन साढ़े 100 का जिहड़ा सैशन क्रिएट किया गया से 16 लोगों को वैक्सीन लगी सी। तो दूसरे दिन असी 22 लोगों को लगाई सी, तीसरे दिन 58 लोगों को लगी सी, चौथे दिन 52 लगी, पंजवें दिन फिर 76 लोगों को लगी, तो कल भी 52 लोगों को लगी सी, तो अज हुण तक 22 लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। ये सारे साढ़े जो हैल्थ केयर वर्करस ने साढ़े गवर्नमेंट के भी तो प्राइवेट भी दोनों को लगती भी है। ये वैक्सीन जी है हाले तक जिन्ने भी लोगों को लगी है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, मतलब सारे बिल्कुल ठीक ठाक ने, किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। और इदा ही वैक्सीन ड्राइव जी है पहले चलती रहनी है, मतलब हेल्थ केयर वर्कर वास्ते, फिर असी जे फ्रंटलाइन वर्कर ने अदर डिपार्टमेंट्स के जिदा कि पुलिस है, कारपोरेशन है, रेवन्यू स्टाफ है, इन्हों लगेगी। टोटल साढ़े प्राइवेट तो गवर्नमेंट के 3370 असी रजिस्टर किए हुए हैं, उन्होंने लगनी है। टारगेट तो असी सैशन के हिसाब न है, वह सैशन जो हर रोज़ 100 का मतलब एक सैशन एक जगह साइड पर लगता है।